हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं कक्षा 12 का, तो दोस्तों पोएट्री एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि फोर्थ पोएम है कक्षा 12 के इंग्लिश बुक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये पोएट्री हर साल पूछा जाता है। इस पोएट्री से हर साल सेंट्रल आइडिया तो 100% ही आता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया बताऊंगा जो कि बहुत ही ईजी है और आपको 8 से 10 लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इतना लिख देते हैं पेपर में तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपको बुक से ही बता रहा हूँ सेंट्रल आइडिया, इसमें से कुछ अपने से जोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक थिंग ऑफ ब्यूटी जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आप जो अबाउट द पोएम देख रहे हैं यही आपका सेंट्रल आइडिया है। इसमें कैसे लिखेंगे, एक थिंग ऑफ ब्यूटी इज कम्पोज बाई द जॉन कीट्स। पहले आप एक लाइन इतना जोड़ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे बिकॉज एक थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय। यहाँ से लेके आप पूरा डेट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स तक लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको जोड़ना क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज बाय जॉन कीट्स। इसका मतलब है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी एक पोट्री जॉन कीट्स ने लिखा है जो कि दोस्तों ये सोर्स है कॉन्स्टेंट जॉय का। ब्यूटी कैन बी फाउंड एनीवेयर, जो है सुंदरता के बारे में यहाँ पर बताया गया, प्रकृति के बारे में बताया गया। तो आप इजीली एक थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज जॉन कीट्स लिख कर यहाँ से लेके आप एंसेस्टर्स तक लिख सकते हैं, पूरा छाप लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप आ जाइएगा इस पोएम में, यहाँ से भी एक आध लाइन आप उठा सकते हैं, जैसे पास इनटू नथिंग इज बट विल कीप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप एक आध दो लाइन ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट जॉय लिखा है, आप ब्यूटी आप इज ए जॉय फॉर एवर लिख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा और भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज बाई जॉन किट्स लिख के आप सीधे लिख दीजिएगा ए थिंग इज ए ब्यूटी सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय। ब्यूटी कैन बी फाउंड एनीवेयर, इट्स समथिंग That has the ability to transform life. It also highlights the fact of beauty has a therapeutic quality. जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से लिखें एंसेस्टर तक लिख दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। या फिर अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो जॉन किट्स किस सन से कितना था, ये कहाँ के थे, किस देश के थे, तो ये ब्रिटिश के रोमांटिक पोएट थे, आप ये भी ऐड कर सकते हैं अपने सेंट्रल आइडिया में। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।